अबे चुप यार, एक तो सुबह सुबह उठाया, ऊपर से शमशान में लाकर बिठाया, गाना गा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं जो ऐड करूंगा उसमें तुझे बस एक्टिंग करनी है। ए, हेल्प करना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये एक्टिंग वेक्टिंग मुझसे नहीं हो गया, किसी और को पकड़। अरे तब तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना। ग्रेजुएशन करने के बाद तू तो फालतू घर पे बैठा हुआ, कोई काम धाम नहीं है, इसलिए तो सर ने तुझे सेलेक्ट किया है। तेरा हो गया क्या? एक्टिंग बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, ए सर, एक 100 का नोट दे। ओ शिट, अभी ऑटो वाले को देख आया हूं सर। ये लीजिए सर। देखा, पैसा मांगा तो क्या एक्टिंग कर रहा था, एक लाफे में पैसे निकलवा लिए। एक्टिंग इससे भी इजी है, तुझे कुछ नहीं करना है, एक्टिंग सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके ना, एड हिट हो गया ना तो तू बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा, लड़की ऑटोग्राफ, फोन करेंगी, फिर तेरी चांदी ही चांदी। इतना सीन नहीं है, क्या करना है जल्दी बोल। सर, वो देखो सर। क्या शॉट है, चाचा जल्दी कर। नमस्ते भाई, इस लाश को शमशान ले जा रहे हैं ना? लाश को शमशान नहीं तो क्या सिनेमा लेके जाऊंगा? सॉरी सर, इस लाश पर शूटिंग कर सकते हैं क्या? ए, शूटिंग वाले है बे। अरे शूटिंग का नाम सुनते ही बाल संवारने लगे। तुम्हारे भाई के मरने का गम नहीं है? हमारा भाई थोड़ी है, इसने हमसे पैसे लिए थे, दिए बगैर ही मर गया। अच्छा ये बताओ, वो आगे वाले डांस क्यों कर रहे हैं? अरे उन लोगों को पैसे मिल चुके हैं, वो नाचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अच्छा ये बात है। अरे राजू तू कैमरा वाले जा, लो एंगल से शूट करना। अच्छा चल तू अपनी शर्ट उतार। भैया जरा टॉवल देना, अब इसे गले में डाल, ये शर्ट संभाल के रखना। अब मैं तुझे एक चीज देता हूँ, ये सिगरेट पकड़ और स्टाइल से आगे आगे चल, समझ गए ना? okay. माँ जी आप सब लोग कोरस मरो ना, सब लोग चालू हो जाओ। अरे तुम लोग लास्ट तो उठाओ, ये मटकी दर्द दे, ले पकड़ पकड़ ना ऐसे। अब मेरे पीछे पीछे आ, जल्दी कर, स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। दिन भर सेल सेल्स बोल के मेरा दिमाग खराब कर देता है। चीची, इसका बाप मर गया है और ये सिगरेट पी रहा है, इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। छोड़ना, इसको देख के क्या फायदा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी चल। इडियट, यूज़लेस फेलो, चल यार। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। कर। क्या बात है सर? इस मुर्दे का सिगरेट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, तेरा बाप मर गया है, तूने शर्ट उतार दी, चप्पल भी उतार दी, लेकिन तू किलर सिगरेट पीता रहा। यू आर वेरी ग्रेट सर। थैंक यू। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। किलर सिगरेट, प्राण जाए पर साथ में छोड़े। किलर सिगरेट, प्राण जाए पर साथ में छोड़े। कट, चलो यहाँ से। थैंक यू। साइलेंस इंडिया मोबाइल कंपनी में जॉब पाना एक खुशनसीबी है, और इस रिंगटोन रंगाराव से ट्रेनिंग पाना दूसरी खुशनसीबी है। बात समझ में आई? पिन हो या कोई प्लेन हो, उसे बेचने के लिए एक आर्ट की जरूरत होती है। कस्टमर को प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिलाकर उसे जब तक ये पता चले कि वो प्रोडक्ट उसके किसी काम का नहीं है, उसे बेच देना चाहिए। सच पूछिए तो सेल्स एक महान कला है, इसे सिखाया नहीं जा सकता। फिर ये ट्रेनिंग क्लास रखकर हमें क्यों पका रहे हैं? तो जैसे बेवकूफों के लिए, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप सुन। सपोज तुम लोग सेल बेचने के लिए गए और दरवाजे पर पहुंचते ही उसे बंद पाया, तो आप क्या करेंगे? अब बताओ फोन कैसे बेचोगे? दीवार को जाएंगे सर। अच्छा, ऐसा करोगे तो कुत्ता टांग पकड़ लेगा और वहीं मर जाओगे। जब ग्राहक घर से बाहर आएगा तब उसे बेचेंगे। क्या बेचेगी, वो शाम को आएगा तब सेल फोन नहीं कंपनी बेचनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए सर? गुड क्वेश्चन, इसीलिए तो भगवान ने हमें मुंह दिया है। अम्मा बाबा ऐसे चिल्लाओगे तो सब के सब बाहर आ जाएंगे। फिर हम में और केले वाले में क्या अंतर रह जाएगा सर? अबे गधे, जरा बताएगा तू कमाता क्यों है, कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। इसको बेचने के लिए दिमाग चाहिए। ओ, लंच टाइम हो गया, मैं अभी आता हूँ। ए राजू, तू सेंटर में जूम लगाना। क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा एड है? बताता हूँ यार, ये पकड़। हाँ, एयर फ्री अंडरवियर एंड बनियान, नीचे लिखा होगा एयर फ्री, पहना कि नहीं पहना पता ही नहीं चलता। लिखने की जरूरत क्या है, वो तो दिख ही रहा है। देखने वालों को पता चलना चाहिए, जैसा कहता हूँ वैसा कर। ए क्या बे, दोस्त समझ के तेरी प्रोजेक्ट में एक्टिंग कर रहा हूँ, समझा? अरे मजाक कर रहा हूँ मजाक। अच्छा सुनो मैडम, सीन क्या है, आप सीधे सीधे वैन के बगल से गुजरती हैं, ये दोनों तुमको खींच लेते हैं, तुम्हें वैन के अंदर ले जाते हैं और तुम अंदर से हेल्प हेल्प चिल्लाती हो। हीरो की एंट्री होती है और विलेन की धुलाई, हीरो सामने खड़ा होता है, तुम दोनों की नजरें मिल जाती हैं।
तुम दोनों एक दूसरे में खो जाते हो। हम लोग काय का ऐड करने के लिए आए। इसका अंडरवियर देख, इसी का ऐड करना का दे, राय मत दे, पीछा खा रहे। मैडम समझ गई ना? ओके ना, एक रिहर्सल करते हैं, अब वहाँ से आओ। तू इधर आ। ए अबे तुम दोनों गुंडे हो, टाइल में खड़े हो जाओ, समझे? ए जूम कर। ओके सर। रोलिंग एक्शन। अरे तू आ गई, अंदर आ जा। होटल बुक किया है। ये क्या मैडम, एक्शन बोला तो ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गई। हमें वो नहीं चाहिए, फील फील चाहिए। सॉरी सर, कोई हाथ पकड़ता है तो मैं मना ही नहीं कर पाती। तू तो बिल्कुल मेरे टाइप की है, बहुत कोऑपरेटिव है। शूटिंग खत्म होने के बाद होटल में ले चलूंगा। अभी एक करो, तू भी एक कर। मैडम आएगी तो खींच कर अंदर ले लेना। अबे चुप, इस इड़े ने बोला था लड़की का फ्री में रेप करना है, इसीलिए हम लोग रेप करने के लिए आ गए। मजाक कर रहा है हम लोग से? क्या बे, तुझे आर्टिस्ट आने को कहा था, रेपिस्ट लेके आ गया। हाँ तो इस बजट में प्रकाश राज थोड़ी आएगा। इसको बोलो जैसे बैठे बैन में खींच लो, कोऑपरेट करने को बोलो यार। तू चाहे तो कल उसे घर चले जाना। देवी तुम एक्टिंग करो मेरी माँ। शुरू हो जा, चल 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 देख ले। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। हेलो, ये पुलिस स्टेशन है सर, यहाँ पर रेप हो रहा है। और कहाँ पे? लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पास। सच में? सच में सर, एक तो सिर्फ चड्डी में ही है, अगर आप जल्दी नहीं आए तो वो भी उतर जाएगी। इस बेचारी को बचाइए सर। अरे गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, जल्दी चलो लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स। एक्शन। बेदाग मर्दानगी के लिए एयर फ्री बनियान पहना है कि नहीं पता ही नहीं चलता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और करते हैं, स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। बेदाग मर्दानगी के लिए एयर फ्री बनियान पहना है कि नहीं पता ही नहीं चलता। आहा, ओके। क्यों रे, तुम लोग यहाँ पर रेप कर रहे थे? इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? शूटिंग कर रहे थे सर। इस लड़की का रेप हो रहा है, ऐसा इस लड़के ने मुझे फोन करके बताया। क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ एड फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अरे तो मुझे देखकर फिर ये लोग भाग क्यों गए? आपका डंडा देख के भाग गए सर। तुम दोनों को मैंने कहीं देखा है मुझे ऐसा लगता है। हम दोनों को? नमस्ते कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, कमिश्नर तो मैं भाग गए। अरे तुम सब मिलके पकड़ो ने। सर उस दिन यही दोनों आपको सेंटर पे मार के भागे थे। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो ने। ओके सर। आज मेरे से दो ही सेल बेचे। अभी बता दो, चल निकल, एक बार हाथ में आ जाए ना। कहाँ जा, चलो अभी किधर जा। अरे उधर जा, उधर देखो। अरे अरे बाप रे, बच गए वरना पता नहीं क्या होता। हेलो, मेरे पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? काम होते ही सारे पैसे दे दूंगा बोला था। चल ला, चल मेरे पैसे दे, दे दे दे। बीच में पुलिस आ गई ना? पुलिस आ गई तो उससे मेरा क्या लेना, काम तो हो गया ना। चल मेरे पैसे दे, दे 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 फटाफट। चल चल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी निकाल पैसे। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, चल जा। पैसे नहीं मिलेंगे? जाने सुबह किसका मुंह दिखा था जो इस जैसा पनौती मिला। पनौती कहेगा पनौती। छी स्टूपिड, कौन है ये? उस दिन बाप की मौत पे सिगरेट पी रहा था ना, वही है। बाप की मौत को 4 दिन नहीं हुए और इसको ब्रॉटल केस में पुलिस दौड़ा रही है, ऐसे इंसान को तो ना। अरे ये तो पहले से ही कैरेक्टर लेस है, तू मत सोच इतना। तीन महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, एक ही फोन बेचा है और जिसको बेचा है उसका एड्रेस ही नहीं मालूम है। क्या करने आया है, जरा अंजलि को देख के कुछ सीख। सर। हाँ आजा राम, तू ही तो है जिसने इस कंपनी को बचाया हुआ है, तू नहीं होता तो इस कंपनी की वाट लग जाती। ये क्या रिजाइन कर रहा है क्या? हाँ सर। लेकिन क्यों? मैं अपने लिए कल एक लड़की देखने गया था। हाँ। उन्होंने पूछा कहाँ काम करते हो। हाँ। मैंने उनसे कहा कि साइलेंस इंडिया मोबाइल में काम करता हूँ। तो फिर तुझे उठकर गले लगा लिया होगा ना? उठे तो थे सर। हाँ। पर गले लगाने के लिए नहीं। वो क्यों? मारने के लिए। ऐसा क्यों? लड़की का बाप हमारा बहुत पुराना कस्टमर था सर, हमारी कंपनी का बोगस बिल देख कर हार्ट अटैक से मर गया था। आपकी कंपनी आपको ही मुबारक सर। कैसे कैसे कस्टमर आ जाते हैं। अबे ओए, मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ, ये एक्टिंग वैक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है, तू प्लीज मुझे छोड़ दे। अरे यार एक बार कर देना, बहुत बढ़िया ऐड है। अबे ऐसे कैसे कर दूँ, दोस्त समझ के मैंने तेरे लिए एक्टिंग कर दी तो चड्डी पहना के रोड पे भगाएगा? थोड़ी देर और रुकता तो हवालात में होता। अरे ये सब मुझसे नहीं होगा, माफ कर दे चल। अरे ये ऐसा ऐड नहीं है, बहुत बड़ा ऐड है, अगर एक बार रिलीज हो गया ना तू बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा और मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर। एक बार कर लेना दोस्त। ठीक है करता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार। मान गया, चलो जल्दी करते लगाओ, जल्दी करो। रख रख रख, ठीक से रखो, ठीक से रखो राघव। हाँ सर। तू तैयार है ना? रेडी सर। हाँ ठीक है, हम दोनों को क्लोज निकालना। हाँ निकालता हूँ ना सर। हाँ तू रेडी है? रेडी। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे। नहीं नहीं सर, मेरी अभी तक एक भी शादी नहीं हुई है। मेरा टाइम अब खत्म हो गया है, छोड़ूंगा नहीं, नहीं, नहीं सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। तू मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है, छोड़ दो सर, एक बार माफ कर दो सर। ए, मेरे ही घर में रहकर मेरा खाकर मेरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है। आप भगवान जैसे हो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। पैर पड़ेगा? ये ले। अरे क्या यार, इस पे तो खून ही नहीं लगा है। हेलो इंस्पेक्टर शिवमणि, 9848022338। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बोलो। सर यहाँ छाया अपार्टमेंट्स में मर्डर हो गया है सर। सच में? हाँ सर, किसी ने उसका मर्डर करके बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया है। सुबह सुबह बहुत अच्छी बोनी हुई। अरे कोई मरेगा नहीं तो हमारा कैसे काम चलेगा। अच्छा तुम वही रुको, मैं बहुत जल्दी आता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, छाया अपार्टमेंट चलो जल्दी, वहाँ ताजा लाश पड़ी है, आज भी बोनी हो जाएगी। छत से कूदो या पहाड़ से कूदो, बॉडी ना टूटेगी ना मुड़ेगी। जंप वेल मैट्रेस, आपके उछल कूद का साथी। ये डायलॉग तो डबल मीनिंग लग रहा है। अच्छा तुझे ऐसा लगा? हाँ। ये डायलॉग भी अच्छा है, इसका दिमाग भी अच्छा चलता है, क्रिएटिव ब्रेन। ए, मैट्रेस से सोने के लिए होते हैं, इसके ऊपर बच्चों की तरह उछल कूद नहीं की जाती। अच्छा मुझे पता नहीं था, अभी पता चल गया। एड को बस रिलीज होने दे, इसे पूरा इंडिया देखेगा ना तो हिल जाएगा। अरे इंडिया को छोड़ो, इस गद्दे का काम पूरा करो वरना इसका बिल तुम्हें हिला देगा। अरे मैं तो भूल गया, पैक अप। कहाँ है, कहाँ है, जिसका मर्डर हुआ वो कहाँ है, बताओ मुझे कहाँ है। नमस्ते सर, तुम यहाँ के वॉचमैन हो? जी सर। हमने सुना है यहाँ एक मर्डर हुआ है। मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता, चल भाग। हाँ। क्यों नहीं मार रहा है? तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। ओके सर। चलो रे, किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया है।